महाराष्ट्र के जालना जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक बड़ा घोटाला सामने आया है। इस संबंध में ग्रामीणों ने खुद सड़क निर्माण में हुए दोयम दर्जे के काम का लेखा जोखा लिया है। यह वीडियो देखकर आपका भी माथा घूम जाएगा। आइए आपको बताते हैं कि इस वीडियो में क्या है। दरअसल जालना जिले की अंबड़ तहसील में हस्तपोखरी करजत सड़क का डामरीकरण का काम शुरू है, लेकिन इस सड़क को बनाने में ठेकेदार ने बेईमानी, भ्रष्टाचार और घटिया काम की सारी हदें पार कर दी हैं। जब यह सड़क बन गई और लोगों ने इस पर आवाजाही शुरू की, तब उन्हें यहां हुए घोटाले का पता चला। ग्रामीणों ने पाया कि सड़क के नीचे एक प्लास्टिक बिछाई गई है, जिसके ऊपर ठेकेदार ने डामर की 40 mm मोटी परत सड़क पर लगाई है, जो बड़ी ही आसानी से निकाली जा सकती है। लेकिन हद तो तब हो गई जब ग्रामीणों ने उस प्लास्टिक को उठाया तो पूरी सड़क ही उखड़ कर उनके हाथ में आ गई। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बिस्तर पर बिछी चादर को उठाते हैं। अब इस सड़क को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा है। सड़क निर्माण के दौरान घटिया काम की आशंका ग्रामीणों को होने पर उन्होंने इस काम की पोल खोलना शुरू किया है। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल नागरिकों ने इस पूरे काम की जांच कर ठेकेदार और रोड इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। यह सड़क करजत से हस्तपोखरी जालना अंबड़ राजमार्ग को जोड़ने वाली 10 किलोमीटर लंबी सड़क है, जिसमें तकरीबन 9 किलोमीटर तक डामरीकरण और 700 मीटर का सीमेंटीकरण किया गया है। इस काम का ठेका जालना के राणा कंस्ट्रक्शन के पास है। तकरीबन 9 दिन पहले जब यह काम शुरू हुआ था, तब से ही स्थानीय नागरिक काम को लेकर नाखुश थे। उन्हें लग रहा था कि यह काम बिल्कुल निम्न स्तर का किया जा रहा है, लेकिन सड़क बन रही थी और उन्हें इस बात का अंदाजा था कि शायद इस सड़क से उनकी तकलीफें कुछ कम होंगी। यह सोचकर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन जैसे जैसे काम आगे बढ़ा, लोगों को इसकी गुणवत्ता को लेकर शक होने लगा। और जब नागरिकों ने सड़क के किनारे डामर के नीचे की एक पॉलीथीन निकाली, तो फिर पूरी सड़क की पोल खुलने में देर नहीं लगी।